राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज हमारा हल्ला बोल कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू की ओर से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, समस्त लोगों ने मिलकर किया है, सरकार की कुशासन के विरुद्ध ये कार्यक्रम किया है। जो नकारात्मक सरकार है हमारी, चाहे उनके घोषित किए हुए वादे, बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी, जब वो चुनाव लड़ रहे थे ये घोषणा की थी और आज के दिन बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं, कृषि कनेक्शन के मटेरियल उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, बिजली ले लो आप चाहे कृषि कनेक्शन हो उनको भी समस्या आ रही है। छात्र, आज जब मैं मेरे युवा बहन भाइयों की बात करती हूँ तो वो युवा बहन भाई जो परीक्षा के लिए पिछले कई सालों से जुटे हुए हैं तैयारी करने के लिए, उन युवा बहन भाइयों को बहुत डीमोटिवेशन का सामना करना पड़ा जब परीक्षा के अंदर पेपर्स लीक हुए। मैं सरकार से चाहूंगी कि आप इसके ऊपर सीबीआई जांच बिठाएं ताकि इसका कोई निवारण हो, जो अधिकारी इसमें शामिल हैं स्ट्रिक्टली उन पर एक्शन लिया जाए ताकि वो एक एग्जांपल सेटअप हो बाकी के डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस तरह के काम न हो। बच्चे जब इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और आज उनको फेलियर हाथ में आती है, जो मेरिट के बच्चे हैं वो तो बैठे रह जाएंगे और जो चीटिंग करके आगे निकले हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। यह हमारे बच्चों के लिए बहुत ही डीमोटिवेटिंग मामला है। बिजली ले लो चाहे पेट्रोल ले लो, पेट्रोल के वाट कम करने के लिए मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि पेट्रोल की वाट जो है वो हमारे कम करें। सबसे ज़्यादा पेट्रोल की वाट हमारे देश में राजस्थान सरकार ने लगाई है, उसे कम कीजिए। कृषि है, युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता दीजिए, जॉब खोलें। हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे नौकरी उपलब्ध करवाई जा सकती है, लेकिन समझ नहीं आता ये सरकार नौकरियों के लिए क्यों नहीं खोल रही, क्यों उनको नौकरियां नहीं दे रही। क्या वो युवाओं को बेरोजगारी देखना चाहती है? युवाओं को जो घोषणा की उन्होंने भत्ते देने की, वो भत्ते का क्या हुआ? किसानों के कर्जे माफ़ी की उन्होंने बात की, आज मैं पूछना चाहूँगी स्टेट सरकार से कि उस भत्ते का क्या हुआ, किसानों का कर्जा माफ़ी का क्या हुआ। ऐसी कई अनेक विफलताएं, चाहे वो महिलाओं के अत्याचार की बात हो, आए दिन अखबारों में देखने मिलती हैं कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। प्रशासन, गांव के संघ भी मैं कहना चाहूँगी, आज एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने पूरे प्रदेश में जब राजस्थान सरकार ने ये कैंप चलाया है तो आज नवलगढ़ और पिलानी के अंदर इस कैंप को बंद करने का क्या कारण है? 3 दिन के लिए क्यों पोस्ट किया गया, क्यों पोस्टपोन किया गया? अलग अलग जगहों से, स्टेट से प्रशासन, गांव के संघ अभियान के तहत लोग आए हैं। मुझे जब फ़ोन कॉल आ रहे हैं, मैम नवलगढ़ के अंदर कैंप था, हमें पता नहीं लगा और हम पहुंच चुके हैं और आज कैंप रद्द हो चुका है, इसका क्या कारण है? मैं प्रशासन से पूछना चाहूँगी कि क्या रीजंस हैं? एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, इनका जो मैनेजमेंट है कंप्लीट मैनेजमेंट फेलियर बताना चाहूँगी कांग्रेस सरकार के दौरान। और मैं ये कहना चाहूँगी, जब युवाओं की आवाज़ उठकर आती है, जब किसान एकजुट होते हैं तो आपकी सत्ता हिला दी जाएगी। उससे पहले आप ध्यान रखें और जो आपने घोषणाएं की उस पर ध्यान रखें। आज यही गरीब सरकार, गरीब जनता आपके सामने खड़ी है, आपसे कह रही है कि आप हमारी मदद करें, हमारी और देखें। इसका जवाब आपको आने वाले 2 साल में मिल जाएगा। मैं कांग्रेस सरकार को बताना चाहूँगी, अपने आराम ऐश और आराम को छोड़ दीजिए और उस कमरे और ऑफिस से बाहर निकलकर धरातल पर आकर जो लोगों की समस्याएं हैं उनके बीच आकर आप देखिए। अशोक गहलोत जी की जब बात करते हैं, 2 महीने 3 महीने तो उन्होंने ये कह के निकाल दिए कि मेरा कोविड हो चुका। क्या कोविड आम जनता को नहीं हुआ? डॉक्टर्स ने क्या क्वारंटाइन का 14 डेज का समय निकाल के क्या अपनी ड्यूटियाँ नहीं की थी? तो ऐसा कौन सा कोविड हो गया अशोक गहलोत जी को जो कि वो कमरे में बंद हो गए? कभी उनके हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी उनके कुछ और रीजंस उनके होते हैं, लेकिन ये जनता तो यहाँ बैठी है आपकी तरफ टकटकी लगाए। इनको आप जवाब दीजिए, इनकी मदद कीजिए, हमें जवाब मांगना आता है, वरना आने वाले समय में यही जनता आपको कठोर से कठोर जवाब मिलेगी, तब आप बहुत रोएंगे और पछताएंगे अपने इस फैसले पे। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन हमारे सामान्य प्रमुख महोदय के माध्यम से भिजवाया जा रहा है और ज्ञापन के अंदर
जो कांग्रेस सरकार जब स्थापित हुई थी राजस्थान के अंदर, उसमें जो वादे किए थे उन वादों को याद दिलाने का प्रयास हम कर रहे हैं। और जो वादे किए गए थे उन वादों को सरकार भूल करके आज जो जनता पे कुठाराघात कर रही है, जनता की तरफ से जो जनता की तरफ आंख खींच ली है, उन आंखों को खोलने के लिए हमने आज ये ज्ञापन दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज हमारे किसान भाइयों की बात आती है, किसानों के लिए जब धरने प्रदर्शन होते हैं तो कांग्रेस सरकार कहती थी कि केंद्र सरकार है वो किसानों की सुनती नहीं है। मैं यहाँ की कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों के लिए ऐसा कौन सा काम किया है जिसको वो किसानों के लिए एक सौगात के रूप में पेश कर सके। उदाहरण देना चाहूँगा कि जब सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर हम इनके कर्जे माफ़ कर देंगे 2 लाख रुपए तक के। आज तक एक भी किसान राजस्थान में खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मेरे 2 लाख का मतलब जो कर्जा है वो माफ़ हुआ है। युवाओं के साथ में इन्होंने धोखा किया है, युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते का वादा किया तो वो भी आज तक इन्होंने किसी भी एक युवा को मतलब बेरोजगारी भत्ता देने का प्रयास नहीं किया है। सरकार प्रशासन गाँव के संग चला रही है, प्रशासन शहरों के संग चल रही है, ये मात्र एक ढकोसला है। और सिर्फ यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अपना एक प्रचार मात्र कर रहे हैं, उनका माध्यम बना रखा है प्रचार करने का। जनता के बीच में ऐसे तो जाने की इनकी हिम्मत नहीं बची थी, क्योंकि जनता को इन्होंने क्या दिया है वो जनता सब जानती है। परंतु प्रशासन गाँव के संग जो कार्यक्रम चलाए इन्होंने, इसके माध्यम से जनता के बीच में पहुँच करके अपनी एक छवि पेश करना चाहते हैं। और मैंने जहाँ तक देखा है इन कैंपों की जो स्थिति देखी है, वो स्थिति है इसकी, वो काम है वो यहाँ पे तहसील स्तर पे या SDM कार्यालय के अंदर आसानी से हो सकते हैं, जबकि वहाँ पर लोगों को बड़ी पीड़ा होती है, सुबह से शाम तक इंतजार करना पड़ता है, लोगों के काम भी नहीं होते। तो मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जो सरकार ने जनता से वादे किए हैं उन वादों पर ध्यान देकर के जनता को राहत प्रदान करें, अन्यथा जनता अपना मूड चेंज कर चुकी है और आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे जनता इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी के आका ने शुरुआत की थी कि 1, 2, 3, 4 और किसानों का कर्जा माफ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई, किसानों ने बढ़ चढ़ कर के कांग्रेस सरकार को मत डाले, वोट डाले, और बढ़ चढ़ के जितने कांग्रेस को वोट डाले उनका हाल ये है कि आज गांव का गरीब किसान मजदूर बिजली के करंट से आत्महत्या कर रहे हैं, हार्ट अटैक के दौरे पड़ रहे हैं। बिजली की दरें इतनी बढ़ गई कि आम किसान गरीब आदमी वहन करने में सक्षम नहीं है। बिजली का बिल प्रति माह है 5,000-8,000 रुपये हर घर में आ रहा है, ट्यूबवेलों के बिल ज़्यादा से बढ़ के आ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। पूरे राजस्थान में बिजली के नाम पे हाहाकार मचा हुआ है। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। तथा इसके साथ में राजस्थान में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने प्रशासन गाँव के संग अभियान जो चला रखे हैं उनमें भी एकमात्र स्थानीय विधायकों की वाहवाही करने का एक अभियान चला रखा है। प्रशासन गाँव के संग अभियान में आम जनता को कोई राहत महसूस नहीं हो रही।